हे फ्रेंड, दिस इज रोजेन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हम फिटनेस से रिलेटेड सारी मिथ और फैक्ट आपकी क्लियर कर सके। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि 21 जून को प्रोटेस्ट होने वाला है, कैसे प्रोटेस्ट होने वाला है और क्या करना है हमें, तो उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी एसोसिएशन से स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान जिम एसोसिएशन जो हमारी एसोसिएशन है, उसका जो सीन चल रहा है, बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल ही रहा है उनका, और वो कभी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी को, कभी किसी को, कभी किसी को, वो बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो सीन है, उन्होंने बोला है कि अब वहां प्रोटेस्ट होगा, बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं वो लोग, और ये आखिरी प्रोटेस्ट होगा। ताकि ये इसलिए होगा कि अगर अनलॉक फेज टू जो हुआ तो जिम्स खुल सके, तो इसके लिए हमें पूरी ताकत के साथ, एकता के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जिम एसोसिएशन का जो सीन है, वो उन्होंने बोला है कि हम दो तरह से, जो पेज बना हुआ है उन्होंने बोला है कि दो तरह से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमको मैसेज आया था सुबह, उन्होंने बोला था कि या तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे या ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। ऑफलाइन का जो सीन होगा वो होगा या तो कहीं सब लोग इकट्ठे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू कल सुबह 11 बजे अलग अलग स्टेट्स में, अपने अपने स्टेट्स में प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो सीन होगा ऑल इंडिया लेवल का, वो सीन होगा ऑनलाइन प्रोटेस्ट का। उसमें आपको अपने सेफ जिम सेफ लाइफ का, मैं एक स्टिकर होगा, जो एक लोगो होगा, मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं। और वो आपको सारी अपनी सारी सोशल नेटवर्क से जो पेजेज हैं उनकी आपको DP बनानी पड़ेगी, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो चीज लोगों के नजरों में आए। सेफ जिम सेफ लाइफ का मोटो यही है कि हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आगे हम जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ सके, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कल मीटिंग हुई थी लॉकडाउन लोग फेस टू की, और अलग अलग स्टेट्स की बता रहा हूँ मैं कि कई जगह मीटिंग हुई थी, लाइक बैंगलोर में तो लग रहा है शायद हो जाए, खुल जाए, जिन मैंने आपको लास्ट अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि बैंगलोर के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो चीज बंद है उनको खोला जाए, जो क्योंकि सारी चीजें खोल दी गई है ऑलमोस्ट, और जिम्स में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। और जो प्रॉब्लम सारे लोग फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं लोग कि यार ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोगों के पास अभी खाने तक के पैसे नहीं है। मैं चीज क्या, जिम ओनर्स रेंट्स के नीचे आ गए हैं बहुत सारे, कई जिम्स बंद हो चुकी हैं, कई बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी लाइक गोल्ड जिम आपको देख लो, उनका बैंकरप्सी हो चुकी है, उनकी दिवालिया हो चुकी है गोल्ड जिम। तो मेन चीज ये है कि ये सबके साथ ना हो, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। एक साथ प्रोटेस्ट का मोटो हमारा यही है, हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान दें, ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं उस चीज से हम निकल सके। मैं हमारा कोई ऐसे हल्ला गुल्ला करने का या आंदोलन करने का ऐसा कोई बिल्कुल सीन नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं लिया जाए, कोई अफवाह अगर फालतू फैला रहा है। हम लोग शांति से ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, जो लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते या जा नहीं सकते, और जो लोग घर से निकल सकते हैं और अपनी मांगे रख सकते हो, तो बहुत ही बेटर है। तो प्लीज मैं सबसे अपील करूंगा, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा फिटनेस ट्रेनर हो, चाहे कोई छोटा फिटनेस ट्रेनर हो, या कोई मतलब कोई भी जिम इंडस्ट्री से जो भी लोग कमा रहे हैं खा रहे हैं, उन लोग सब लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज कल एक साथ होकर प्रोटेस्ट में आए, और प्लीज ये मतलब गवर्नमेंट से अपील करें, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फिट। आगे जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो भी अपडेट हो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब।